सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस समय कड़ाके की ठंड होने लग गई है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि आग तापने को मिल जाए, और इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर जबलपुर शहर में आप रहते हैं और आपको कंडे की आवश्यकता है आग तापने के लिए या बाटी भरता बनाने के लिए, तो आप जबलपुर से सिहोरा मार्ग में इमलिया वाली जगह में जाएं और यहाँ आपको सबसे सस्ते दामों पर कंडे मिल जाएंगे। फिर चाहे आप इनका उपयोग हवन के लिए करें या आग तापने या बाटी भरता बनाने के लिए करें। क्या नाम है छोटू? लखन। लखन, तो कंडे की थपाई करते हो तुम लोग? हाँ। अच्छा, कितने कंडे एक दिन में थाप लेते हो? एक दिन में 200 कंडे। 200 कंडे मतलब महीने के 6,000 कंडे। अच्छा, और क्या रेट में बिकता है? 2 रुपए का एक। 2 रुपए का एक। अच्छा, तो ये ठंडियों में थापे जाते हैं? हाँ, ठंडियों में। क्यों थापे जाते हैं ठंडियों में? ठंडी में इसलिए कि ठंडी में आग तापने के लिए भी काम आते हैं और ईंटा भट्टे वाले भी लेकर जाते हैं बहुत सारे। अच्छा अच्छा, तो मतलब ठंडियों में आग तापने वाले भी लेके जाते होंगे। हाँ। अच्छा, तो शहर के लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, शहर के लोग भी आते हैं। कौन सी जगह है ये? ये सांची फैक्ट्री, सांची दूध डेयरी। सांची दूध डेयरी, अच्छा ठीक है। महाराजपुर ना? नहीं, ये मलिया है। मलिया है, तो मलिया सांची दूध डेयरी के पास लगाते हो ये कंडे का, है ना? तो अगर किसी को लेना हो तो यहाँ पे आ सकता है लेने। ठीक है, तो अगर आप जबलपुर में रहते हैं तो आपको सबसे सस्ते कंडे इमलिया में मिल जाएंगे। महज 2 रुपए का आपको एक कंडा मिल जाएगा। वहीं आप ई कॉमर्स साइट से भी कंडे लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपए के 3 या 4 कंडे आते हैं। तो ऐसे में आपको महज 2 रुपए में एक कंडा मिलना बहुत ही फायदेमंद बात होगी। तो आज के समय में भी कंडे का क्रेज नहीं गया है। जैसे ही ठंड आती है तो लोग चाहते हैं कि बाटी भरता कंडे में ही बनाए, क्योंकि कंडे के बनाए बाटी स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे में अगर आपको सस्ते कंडे चाहिए तो आप इमलिया जा सकते हैं। न्यूज 18 के लिए अभिषेक त्रिपाठी, जबलपुर।